हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट फाइंड करना, और बहुत ही सिंपल तरीके से और क्विक वे में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, लेकिन मैं आपको इससे पहले बता दूं क्या मेथड यूज किया जाता है। स्टूडेंट, हमने जो है यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग लिख दी है। आप चाहे तो ज्यादा लिख सकते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, ऐसे करते करते 12 का क्यूब लिख दिया है 1728। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको क्वेश्चन की लास्ट डिजिट देखनी है स्टूडेंट्स। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट है 6, तो अगर हमारी लास्ट डिजिट क्वेश्चन की 1, 4, 5, 6 या 9 अगर इनमें से है, 1, 4, 5, 6 या 9, तो आपकी लास्ट डिजिट वो सेम रहेगी। जैसे 6 है तो 6 है ना इनमें से, तो वो लास्ट डिजिट हमारी सेम रहेगी आंसर की, ठीक है। जैसे 6 था इसमें तो 6 आ गया। अगर मान लो नहीं होता, तब भाई और नंबर होते तो क्या करते। अगर 2 होता लास्ट डिजिट, यहाँ पर लास्ट डिजिट अगर 2 होता तो हम लिख देते उसकी जगह पर 8। क्या लिखते? 8। और अगर 8 होता, जैसे ये 8 है, तो हम लिखते 8 का 2, ठीक है। और एक नंबर और बच गया, अगर लास्ट डिजिट 3 होती तो हम लिखते 7, और 7 होता तो लिख देते 3। देख रहे हैं ना, रिवर्स याद करना बहुत इजी है। अगर लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 है तो आप सेम लिख दीजिए, अगर 3 है तो 7 लिख दो, 7 है तो 3 लिख दो, और 2 है तो 8 लिख दो, 8 है तो 2, ठीक है। अब देखिएगा कैसे आप फटाफट 2 सेकंड के अंदर इसको करते हैं। देखिए, आपने लास्ट डिजिट देखा क्या है, 6 लिख दिया, तो पहले 3 डिजिट का काम हो गया, 3 डिजिट का काम हो गया खत्म, ठीक है। अब बाकी क्या नंबर बचा, 17। आपको देखना है ये 17 इक्वल के बाद नंबर जो लिखे गए हैं, इसमें 17 जस्ट किससे बड़ा है। 17 जस्ट, आप कहेंगे 17 जी 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है ना 17 जस्ट, तो 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का, तो आ गया नंबर 2। यस, आंसर आ गया है, 17576 का क्यूब रूट है हमारा 26, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट डिजिट क्या है, 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो हमारा सेम रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। और इससे जो बाकी, ये पहले 3 डिजिट खत्म, फिनिश। अब क्या बचा, 91 का देखेंगे, 91 जस्ट किससे बड़ा है, आप कहेंगे 91 जी 64 से बड़ा है, बड़ा है ना 64 से, तो 64 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब है ना 64, तो 4 आ गया, ये हो गया 45, हो रहा है ना जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब और देखिए, धीरे धीरे जो है मैंने टफ तक लिए है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब फिर देखिए लास्ट डिजिट क्या, अगर लास्ट डिजिट 8 है तो आंसर आएगा लास्ट डिजिट 2, ठीक है। और बचा पहली 3 डिजिट फिनिश हो गई, अब क्या बचा है 373, तो 373 जस्ट किससे बड़ा है, आप देखेंगे नंबर्स में 343 से, तो 343 किसका क्यूब है, 7 का, तो 7 आ गया 72। लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए आपके, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं और मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, थैंक्स। सुनिए एक और क्वेश्चन दीजिए, लास्ट के 3 डिजिट, अब लास्ट नंबर क्या है, 6, तो 6 फिक्स कर दो, मैंने बताया आपको 1, 4, 5, 6, 9 में जो भी नंबर है लास्ट डिजिट फिक्स। अब 3 डिजिट जो है पहली कैंसिल हो गई, अब क्या नंबर बचा है, 1560, बहुत बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं जी, 10 का क्यूब होता है 1000, 1560 देखिए 1331 इससे बड़ा है, तो 1331 क्या है हमारा, 11 लिख दीजिए, हो गया ना 116, है ना इजी तरीका, मजेदार। तो ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।